8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर हम आपको उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें महिलाओं के किरदार ने छाप छोड़ी, चाहे सकारात्मक किरदार हो या फिर नकारात्मक। बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार नजर आए हैं जो महिलाओं के कई रूप की कहानी को बयां करते हैं। क्वीन कहानी है दिल्ली में रहने वाली लड़की रानी की। बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म और वे भी महिला किरदार को लेकर बनाने का साहस फिल्म मेकर नहीं कर पाते हैं और इस मायने में विकास बहल निर्देशित फिल्म क्वीन अनोखी है। रानी के किरदार में जान डाली है एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। इसी फिल्म के लिए कंगना को दूसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म में कंगना रानी के किरदार में है जो कि मंगेतर के टुकराए जाने के बाद भी हार नहीं मानती और अकेले हनीमून पर निकल पड़ती है और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म ऐतराज में प्रियंका ने सोनिया रॉय नाम की लड़की का नेगेटिव रोल अदा किया था। इस फिल्म में प्रियंका के अलावा अक्षय कुमार और करीना कपूर भी थे। प्रियंका का किरदार एक ऐसी लड़की का था जो बहुत महत्वाकांक्षी होती है, जिसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक गुजरने में कोई परहेज नहीं होता। 14 साल पहले आई इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला था। इंग्लिश विंग्लिश के बाद श्रीदेवी ने मॉम फिल्म में अपना जलवा बरकरार रखा था। यह फिल्म 2017 में आई थी। फिल्म में श्रीदेवी देव की सबरवाल नाम की एक ऐसी माँ के किरदार में हैं जो अपनी बेटी के साथ हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए सारी हदों को पार कर देती हैं और खुद खूनी बन जाती है। साल 2012 में आई फिल्म कहानी में विद्या बागची नाम की एक प्रेग्नेंट महिला के किरदार में विद्या बालन ने जिस अभिनय की मिसाल दी वो तारीफ के काबिल है। अपने गुमशुदा पति की तलाश में कोलकाता में खूब कत्ले आम मचाया मचाने वाली विद्या बागची ने अपने रोल को जिया था। दीपिका पादुकोण ने फिल्म पीकू में पीकू नाम की लड़की का किरदार निभाया था। पिता पुत्री के रिश्ते पर कम ही फिल्म देखने को मिली है। इस रिश्ते को लेकर सुजीत सरकार ने पीकू एक अनोखी फिल्म बनाई थी। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान का अभिनय फिल्म को देखने लायक बनाता है।